दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसी से एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी है अगर आप एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे रहे हैं जेसीसी का। तो दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि समय कम है, अगर आप भी जेसीसी का एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने की तैयारी में लगे हुए हैं तो सबसे पहले इस 10 चैप्टर को कर ले ताकि आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए आपको बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको और कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। दोस्तों एनिमल किंगडम सबसे पहला यह चैप्टर को इसलिए रखा गया है क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा लेंदी है, क्योंकि याद करना पड़ता है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल ऑफ ओविपेरस एनिमल के एग्जांपल पूछ सकते हैं, राउंड वर्म के एग्जांपल पूछते हैं, लिम्बलेस रेप्टाइल के एग्जाम्पल पूछते हैं, फिश पोजेजिंग पोइजन स्टिंग, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मेटाजेनेसिस क्या होता है, बायोल्यूमिनेंस क्या होता है, इंडो पारासाइट्स क्या होता है, होम्योथम्स क्या होता है, वार्म ब्लडेड फाइलम। दोस्तों ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वह चैप्टर्स के हैं। दोस्तों ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो एनिमल किंगडम के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें जो जितने चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर वह सभी इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनल लाइनिंग इन ट्रेकिया, ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको अच्छे से देखें। पीएच ब्लड का क्या है, मेलानिन कौन सा ऑर्गन जो है मेलानिन प्रोड्यूस करता है, डेंटल फार्मूला एडल्ट का या फिर चाइल्ड का क्या होता है, यह सभी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब ऐसे ही आगे चलते हैं और थर्ड की अगर हम बात करें तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के अंदर में दो चैप्टर्स हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला जैसे इसमें अगर हम बात करें सब टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंस ऑफ अ वैक्यूल, वैक्यूल का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मिड्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेसोजोम, हिस्टोन, टोनोप्लास्ट, फंक्शंस ऑफ अ सेल। दोस्तों इसी बीच एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिल पा रहा है लेकिन प्रॉपर आंसर सही आंसर के साथ नहीं मिल पाता है उनको। तो दोस्तों इसके लिए हम एक कोर्स लाए हैं जेसीसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी का PYQ। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या फिजिक्स या फिर मैथ्स के हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। PCB के हों या PCM के हों, 5 ईयर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। 2016 से लेकर के 2020 सभी का आंसर, और या फिर आप मैथ से हो या बायो से, क्वेश्चन आंसर अटैच होता है साथ में। इसका जो पेड कोर्स है वह कोर्स का जो कोस्ट रखा गया है, फ़ी रखा गया है, वह बहुत ही मिनिमल ₹39 रखा गया है। 5 साल का आंसर की के साथ आपको मिलता है। आपको करना यह है कि आपको कॉल या फिर व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे और आपको बोलना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो PDF फॉर्म में मिलेगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पर, लाइफ टाइम के लिए उसको रख सकते हैं, या फिर आप प्रिंट कर सकते हैं उसको, प्रिंट करके हार्ड पेपर पर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए देखिए इस पर कितना सारा टॉपिक, सब टॉपिक या फिर क्वेश्चंस हमने अरेंज करके रखा है, जैसे गेमेटोजेनेसिस क्या है, इंसेमिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेसेशन, पार्चुरेशन, मेंस्ट्रुअल, इसको आप पूरा पढ़ें। इसमें दोस्तों रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट रिप्रोडक्शन है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको अच्छे से कर लेने हैं। अब दोस्तों आगे चल रहे तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वह है इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। दोस्तों इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी जो सब टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वह बर्ड फ्लू, मैन मेड जो सीरियल डेवलप है उसका नाम बताना है, हिडन हंगर क्या होता है, एक्वाकल्चर क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन, ब्लू रिवोल्यूशन, जर्म प्लाज्मा कलेक्शन, ये सब के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज तो आपके पास होने ही चाहिए। दोस्तों अब चलते हैं आगे और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। यह चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें फर्मेंटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, या फिर जो सीवेज का वाटर जो है या फिर वेस्ट वाटर जो है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, पेनिसिलिन कौन डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ ये भी पता होना चाहिए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यानी कि जो इम्यून को सप्रेस करता है उसका क्या नाम है,
साइनोबैक्टीरिया जो यूज होता है फील्ड में, पेडी में, उसका दूसरा नाम क्या है या फिर उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कम से कम आउटलाइन तो होना ही चाहिए। और ये जो 10 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कर लीजिए और सबसे पहले कीजिए। इसमें से कोई भी चैप्टर आपका छूट रहा है तो इसको सबसे पहले आप ध्यान में रखिए। इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, इको आर1 कैसे नाम पड़ा, इसमें इको का क्या मतलब होता है, डीनेचुरेशन क्या है, बायोपायरेसी क्या है, एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एलाइजा क्या होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इकोलॉजी है दोस्तों, इकोलॉजी लास्ट चैप्टर है और इसको भी अच्छे से कर ले आप। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, इकोसिस्टम्स क्या है, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, पिरामिड ऑफ बायोमास, इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड के बारे में प्रॉपर नॉलेज तो होना ही चाहिए, इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है, अपराइट पिरामिड क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए, फूड चेन क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, डिफाइन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या फिर फूड वेब, फूड चेन के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपके पास होने ही चाहिए दोस्तों। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए, इसको आप कहीं नोट कर लें अच्छे से या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पहले करें। एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लें, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कर लें, रिप्रोडक्शन कर लें, इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ज़रूर करें, फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करें, बायोटेक्नोलॉजी करें और इकोलॉजी करें दोस्तों। इससे आप का जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ये बहुत बूस्टअप होता है। इस चैप्टर को जब आप करने के बाद ये जो क्वेश्चंस लगाएंगे आप 2016, 17, 18, 19 और 20 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन 50 में से 35 तो एटलीस्ट हो ही जाएंगे आपसे या चेंजेस आएंगे आपके अंदर। तो दोस्तों अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं इसको, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं और कंप्लीट होने के बाद एक बार मुझे यह मैसेज करके ज़रूर बताएं कि सर आपने जो बताया था वह हमने कर लिया कंप्लीट, अब आप क्वेश्चन पूछिए मुझसे। दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय और हम आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछ करके देखेंगे कि आपने कितना तैयारी किया, आपने कितना पढ़ा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।